जिनको श्री राम जी का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी उनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है क्रेजी रैम्बलर के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में, कैसे उनका जन्म हुआ और उनके जीवन की जन्म कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम वनराज राजा केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम जी की पूजा करने से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। वो श्री राम जी के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान जी की पूजा रोज होती है, उस घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित एक दल बैठक में भाग ले रहे थे। उस समय हर कोई गहरे मंथन में डूबा हुआ था। वहां एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा करने से मना किया। उस अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को अनसुना कर दिया। ये देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा से श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा, हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको परेशान करने के लिए ये काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा, तुम रो मत, अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वो एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो भी एक बंदर ही होगा, जो बहुत शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। ये सुनकर उस अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए उनके दिए गए श्राप को स्वीकार कर लिया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराज से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। माता अंजना और केसरी जी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नाम के एक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी उस हाथी से बेहद प्रेम करते थे। वो विशाल हाथी ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को शांत करने के लिए उसके दांत तोड़ दिए और उसे मार डाला, जिसके बाद वो गहरे शोक में डूब गए। ये देखकर संतों ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर माता अंजना जी ने भगवान श्री हनुमान जी को जन्म दिया। वहीं दूसरी और एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी जी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी जी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। इसी समय तेज हवा चलने लगी
और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी कि वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर ये सब कर रहा है। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा, आखिर कौन है ऐसा जो एक पति परायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तभी पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी जी से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराकर्मी पुत्र होने का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह वानर राज केसरी और माता अंजनी जी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी पवन पुत्र हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।